लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रताप, स्विट्जरलैंड से वही 200 करोड़ रुपए वाली पार्टी का फोन आया था। वो लोग यही चाहते हैं कि हम ही वो बिजनेस संभालें। तो आप ही चलिए मामा जी। मैं तो जाऊंगा ही बेटा, लेकिन तुम्हारा जाना भी बहुत जरूरी है। तो एक काम कीजिए, अगले महीने का प्रोग्राम बना दीजिए। अगले महीने नहीं, तुम कल जाओगे। कल तुम स्विट्जरलैंड जाओगे। लेकिन माँ, शर्म नहीं आती? शादी को 11 महीने हो गए हैं, अभी तक तुम लोग हनीमून नहीं गए, सिर्फ मेरा पल्लू पकड़कर घूमते रहो। लेकिन माँ, आपको छोड़कर? फिर माँ, ये क्या मुसीबत है? देखो, टिकट्स आ गए हैं, तुम लोग दोनों कल जा रहे हो, बस। प्रेम साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। थैंक यू। हाँ, कितनी सफाई से कातिल को उसी की बातों में फंसा दिया और ऐसा फंसा कि खुद ही मान गया कि वो कातिल है। दादाजी, आप, व्हाट अ लवली सरप्राइज दादाजी। ये ले बेटा। इसकी क्या जरूरत थी? आज तूने एक ऐसा केस जीता है जिसे यहाँ के बड़े बड़े वकीलों ने लेने की हिम्मत नहीं की। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू दादाजी। चल बेटा, चल घर चले। चलिए। पूजा, पूजा, इन फूलों के असली हकदार तुम हो। मेरी सारी सफलता, मेरा नाम सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम जहां भी हो, खुश रहो, सुखी रहो, और दुनिया की तमाम खुशियां इन फूलों की तरह हमेशा तुम्हारे कदमों में रहे। प्रताप, तुमने पैरिस जाने के लिए गाड़ी के लिए कहा था? ये रही चाबी और वो गाड़ी। तुम लोग जाओ। आप कब आएंगे? बस यहाँ का काम खत्म करते ही तुम्हें वहां मिलता हूँ। हैप्पी जर्नी। चले। पूजा। हाँ? याद है आज कौन सी तारीख है? 6 अक्टूबर। और कल 7 अक्टूबर, हमारी शादी की पहली सालगिरह। तो याद है तुम्हें? ये तारीख मैं कैसे भूल सकता हूँ। कल क्या करेंगे हम लोग? कल हम लोग अपनी शादी की सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, एक दूसरे के प्यार में समा जाएंगे। Oh my God! क्या हो रहा है? पूजा, गाड़ी के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे। Oh my God! अब क्या करेंगे? क्या हो रहा है? कुछ जा गाड़ी से तब। प्लीज पूजा, गाड़ी से कूद जाओ तब। नहीं, कूदेंगे तो हम दोनों कूदेंगे। तुम ही कूद जाओ प्रताप। नहीं, मैं कूद जाऊंगा, पहले तुम कूद जाओ पूजा। नहीं, कूद जाओ पूजा। Brenda!
प्रताप। प्रताप, तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रताप। कोई है? पूजा, पूजा। हाँ प्रताप। पूजा, लगता मैं नहीं बचूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। पूजा, मेरी बात सुनो। पूजा, ये खबर माँ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वो ये खबर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो मर जाएगी। माँ को संभालना तुम्हारा काम है। पूजा, तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रताप। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। पूजा, 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 बहुत धूमधाम से मनाएंगे अपनी शादी की पहली सालगिरह। नाचेंगे, गाएंगे और एक दूसरे के प्यार में समा जाएंगे। धीरज रखो बेटी, रोना था वो हो ही गया। अब रोने से क्या फायदा? मेरी जिंदगी में तो अब रोना ही रोना है मामा जी। समझता हूँ बेटी, लेकिन अभी तो रानी दीदी का भी सामना करना है। समझ में नहीं आता कि उन तक ये खबर कैसे पहुंचाओ। नहीं, 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 माँ को कुछ भी नहीं बताना है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जो भी हो, माँ को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। यही उनकी अंतिम इच्छा थी। लेकिन बेटी, इतनी बड़ी बात हम कब तक छुपा के रखेंगे? माँ की अंतिम सांस तक। ठीक है बेटी, तुम जैसा चाहो वैसे ही होगा। तुम्हारे और मेरे सिवाय किसी को यह पता नहीं चलेगा कि प्रताप अभी इस दुनिया में नहीं है। मैं सब इंतजाम कर दूंगा कि प्रताप का नाम पुलिस के रिकॉर्ड में और डेथ सर्टिफिकेट पर ना हो। अरे प्रणाम, वापस आ गए?
तुम लोग तो 2 महीने के लिए गए थे, 10 दिन में वापस आ गए। प्रताप कहाँ है? प्रताप कुछ काम से लंदन गए हैं और मुझे स्विट्जरलैंड से मामा जी के साथ भेज दिया। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? एक्सीडेंट? मेरा मतलब है फिसल गई थी। ओह, ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, मामूली सी। अजीब पागल लड़का है, उसे हनीमून के लिए भेजा था या बिजनेस करने के लिए? और बिजनेस के लिए जाना था तो तुम्हें साथ लेकर जा सकता था। कहाँ ठहरा है लंदन में? फोन लगाओ, मैं बात करूंगी। वो तो अब लंदन से निकल चुके होंगे, कह रहे थे कई जगह जाना है, शायद काफी वक्त लग जाए। पूजा, हाय पूजा, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, और तुम? भाई पहले तो ठीक नहीं था, लेकिन तुम्हारी डांट सुनने के बाद अब बिल्कुल सुधर गया हूँ। पूजा, तुमने मुझे बचा लिया, वरना शराब की आदत ने मुझे बर्बाद ही कर दिया था। खैर मेरी छोड़ो, कुछ अपने बारे में सुनाओ। तुम्हारे पति कैसे हैं? अच्छे हैं, खुश हैं। तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर कौन खुश नहीं होगा? He's really a very lucky man. अरे हाँ, पिछले सोमवार तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सोचा फोन करके तुम्हें बधाई दे दूं। किस बात की बधाई? भाई पिछले सोमवार को 7 अक्टूबर था, तुम्हारी शादी की पहली सालगिरह। चलो देर से ही सही, तुम्हें आज बधाई दे देता हूँ। Wish you a very happy first wedding anniversary and many more to come. Thank you. अब चलूं? जल्दी जाना है। Bye. Bye. पूजा, पूजा, मैं देख रही हूँ जब से तुम वापस आई हो खोई खोई से रहती हो, भूख भी कम हो गई तुम्हारी, क्या बात है? नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, उसका कोई फोन नहीं आया? जी हाँ, कल रात को ही उनका फोन आया था, आप आराम कर रही थी इसलिए आपको जगाया नहीं। मैंने कितनी बार कहा है कि जब भी उसका फोन आए मुझे जगा दिया करो। खैर कोई बात नहीं, क्या कह रहा था? वो आपका हाल पूछ रहे थे। वो ठीक तो है ना? जी हाँ, क्यों? कई दिनों से अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, कब तक लौटेगा? कह रहे थे कि समय लगेगा, सारा काम पूरा करके आना चाहते हैं, फिर से दोबारा न जाना पड़े। मुझे नहीं लगता कि वो सच कह रहा है। क्यों? क्योंकि अगले हफ्ते दुर्गा पूजा है और दुर्गा पूजा के समय वो हमेशा यहाँ रहता है। मालूम था तू आएगा। जा, माँ को प्रणाम कर।
कैसी मुरझाई हुई थी। न हंसती थी, न ठीक तरह से खाना खाती थी। अब देखो कैसी खिल रही है। हा? अब मैं आ गया हूँ माँ, देखना सब कुछ ठीक हो गया। तुम कौन हो? मैं कौन? मैं तुम्हारा पति प्रताप। मेरे पति? नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारा पति हूं, उस एक्सीडेंट में मैं बच गया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों के सामने तुम्हारी गाड़ी को जलते और टुकड़े टुकड़े होते देखा है। तुमने ठीक देखा है, लेकिन जिसे वो बचाना चाहता है उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन तुम बचे कैसे? हमारी गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद जब तुम मदद मांगने के लिए बाहर निकली थी, तब मैं किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल के आया। उसी वक्त एक धमाका हुआ और मैं बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। पता लगा कुछ लोग मुझे उठाकर ले गए थे और मैं कई दिनों तक बेहोश पड़ा रहा। पूजा, तुम्हारे प्यार की शक्ति ही मुझे मौत के मुंह से निकाल लाई। मैं ही तुम्हारा प्रताप हूं। तुम्हारी बहुत कृपा है माँ, तुमने मेरा सुहाग बचा लिया, मेरा पति वापस आ गया। प्रताप नहीं हो, बोलो कौन हो तुम? अरे पूजा, ये तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारा प्रताप हूँ। नहीं, प्रताप की पीठ पर कोई मस्सा कोई दाग नहीं था। कौन हो तुम? बोलो कौन हो तुम? अरे क्या फर्क पड़ता है कि मैं प्रताप हूँ या रंजीत? तुम किसी को तो ये बता सकती नहीं कि प्रताप मर गया है और मैं रंजीत हूँ, क्योंकि ये सुनते ही वो बुढ़िया मर जाएगी। तुम चाहते क्या हो? अपनी शक्ल का फायदा उठाना चाहता हूं। प्रताप से अपनी शक्ल मिलती है, अरे आखिर क्यों ना मिले। मैं प्रताप के बाप की नाजायज औलाद हूं। नाजायज औलाद? इस करोड़ों की जायदाद में 50 लाख तो मुझे भी मिलना चाहिए। ठीक है, मिल जाएंगे, मगर इतना याद रखना, मैं जो कुछ भी कर रही हूं मां के लिए कर रही हूं। अगर उन्हें कोई भी ठेस पहुंची तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मां को यही पता लगना चाहिए कि हम दोनों बहुत सुखी पति पत्नी हैं। और दूसरी बात ये कि मैं यहां सोऊंगी और तुम वहां उस कमरे में। जहां बोलोगी सो जाऊंगा, जो कहोगी करूंगा। अपने को तो अपने 50 लाख से मतलब है। पति की एक्टिंग करते करते तुम्हें पत्नी बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा सुंदरी। जो रंजीत, कहो कैसी कटी पहली रात? तब मामला फिट हो गया ना? बस जरा सी गड़बड़ हो गई, पूजा ने मुझे पहचान लिया। क्या? अरे बेवकूफ उल्लू गधे, मैं तुम्हें वो सारी वीडियो फिल्म इसलिए दिखाई थी कि तू प्रताप की हर बात हर अदा तो अच्छी तरह से सीख ले।
और तू है कि पहली जाति चितोगे। अरे बॉस, अब तुम ही सोचो जरा, इतनी सेक्सी लड़की अगर अपनी बाहें फैलाए मेरे सीने से चिपके तो मैं कीर्तन करता। किंतु पकड़ा तो गया ना, सब सत्यानाश कर दिया। पूजा अगर तुझे प्रताप मान लेती ना, सारी दौलत मुट्ठी में होती। बेकार ही परेशान हो रहे हो, मैंने सब कुछ फिट कर दिया है, वो सबके सामने मुझे प्रताप बनाकर ही रखेगी और उसके लिए मुझे पूरे 50 लाख रुपए देगी। तो मैं एकदम मुल्लू के पट्टे हो। अब क्या हो गया, तुम 50 लाख रुपए से खुश हो रहे हो? मेरा तो 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, 20 करोड़ का। मैंने तुमसे उसकी गाड़ी के ब्रेक इसलिए निकलवाए थे ताकि वो वहां दोनों मर जाए और तुम यहाँ प्रताप बनकर आ जाओगे। रानी माँ मरी और ये सारी दौलत हमारी, लेकिन जो होना था सो हो गया, लेकिन अब दोबारा कोई गलती मत करना। पूजा जा, जा चुप जा, जा। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटी। पूजा बेटी तुम यहाँ कैसे? मामा जी एक मुसीबत आ गई है। क्या है बेटी? कल सिंदूर उत्सव में अचानक एक आदमी आ गया जिसकी शक्ल प्रताप से बिल्कुल मिलती है, यहाँ तक कि रानी माँ भी उसे अपना बेटा मानती हैं। क्या कह रही हो तुम, कुछ पता चला वो कौन है? वो कह रहा था उसका नाम रंजीत है। रंजीत? मामा जी अब मैं क्या करूं? संभल कर रहना बेटी, जब दीदी ने उसे प्रताप मान ही लिया है तो तुम्हें भी उसकी बीवी बने रहने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मामा जी एक अनजान आदमी के साथ डर लगता है। बेटी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जो हूं सब संभालूंगा। ठीक है मामा जी, अब मैं चलती हूं। खुश रहो बेटी।